नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश एक नजर इधर में, और मैं हूं आपके साथ रितु भंडारे। अपने इस खास कार्यक्रम में हम उन सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से होता है और जनता के ही हित में पूछते हैं जिम्मेदार यानी कि शासन प्रशासन और सरकार से सवाल। सबसे पहले बात करते हैं अस्पतालों में आए दिन लापरवाही देखने को मिल रही है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब निजी अस्पतालों में भी इलाज को लेकर लापरवाही देखी जा रही है। बिना कोरोना जांच के इलाज के लिए पहुंचे एक मरीज को अस्पताल ने कोरोना वार्ड में ही भर्ती कर दिया। बाद में वहां पर ऑक्सीजन की कमी से इस मरीज की मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने भी इस मामले की जानकारी मीडिया को दी है। तो पूरी है, चाहे वो आप फर्स्ट डे से मेडिकल को लेके बोलें या ट्रीटमेंट को लेके बोलें या फिर फूड को लेके बोलें, तो ये सारी लापरवाही है। इवन सबसे बड़ी लापरवाही तो यही है कि उन्होंने पेशेंट को विदाउट पॉजिटिव रहते हुए भी पॉजिटिव वाले वार्ड में उन्होंने शिफ्ट कर दिया, जिसके कारण हमारे पापा जी इतना घबरा गए और ये सारी समस्याएं हुई जिसके कारण हमारे पापा जी की मृत्यु हो गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सरकारी अस्पतालों के साथ अब निजी अस्पतालों में भी इलाज को लेकर लापरवाही देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निधि प्रसाद फोन लाइन पर जुड़ गया। निधि, कल मेघारा अस्पताल की तस्वीर निकलकर सामने आई थी और अब निजी अस्पतालों की भी तस्वीर वही निकलकर सामने आ रही है जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज तो किया जा रहा है और जो नॉर्मल आम मरीज है उनको भी अब कोरोना वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं काफी प्रशासन पर खड़ा कर देता है। निधि जी बिल्कुल रितु, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जो हाल और जो बदहाली हमने सरकारी अस्पतालों के बारे में आपको बताया था, कल ही की बात करें तो काफी आपको जानकारी थी कि सरकारी अस्पतालों में किस तरह से लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। वहीं काफी उम्मीदों से सरकारी अस्पतालों से हार मानकर जो मरीज है वो निजी अस्पतालों में जाते हैं, मोटी तगड़ी फीस भरते हैं ताकि जो उनके परिजन है उनका इलाज सही समय पर और सही इलाज हो पाए। लेकिन सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब निजी अस्पतालों में भी लापरवाही बिल्कुल सामने नजर आ रही है। और आपको बता दें कि एक पंजवानी परिवार है जिसमें उन्होंने 27 अगस्त को जो मृतक था जिसका पूरा नाम गोवर्धन दास पंजवानी है और वो जो मृतक था उसे कफ की शिकायत थी, जिसे देखते हुए उनके परिवार वालों ने उन्हें कालीबाड़ी, रायपुर के कालीबाड़ी कोविड सेंटर में उनकी जांच करवाई थी लेकिन उनकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई थी। बावजूद इसके कुछ दिन बाद उन्हें वो कफ की शिकायत ज्यादा होने लगी। जब वो कफ की शिकायत ज्यादा होने लगी तो सारे जो उनके परिजन हैं उन्होंने उसे नारायणा अस्पताल में भर्ती करवाया जहां पर उन्हें बिना उनकी रिपोर्ट के ही एक तो कोविड वार्ड में शिफ्ट कराया, उसके बाद लगातार लापरवाही, किसी भी तरह से डॉक्टर्स हैं वो उनके पास नहीं आ रहे थे। इवन ये तक बताया है उनके परिजनों ने कि पंखा तक वो अपने घर से ले जाकर उस अस्पताल में रखे। तो जब इस तरह के कृत्य सामने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो वहां का प्रबंधन है वो कैसी लापरवाही कर सकता है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि सुबह सुबह 5:30 बजे तकरीबन 29 अगस्त को सुबह 29 अगस्त की रात से ही उन्हें तकलीफ शुरू हो गई थी और 30 अगस्त सुबह 5:20 में उन्हें ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा होने लगी। और इस बात की जानकारी मृतक ने ही फोन पर अपने परिजनों को दी क्योंकि आसपास वहां कोई भी डॉक्टर, कोई भी अटेंडर और कोई भी नर्स मौजूद नहीं थी। इसे देखते हुए फिर लगातार जो है उन्होंने कोशिश की वहां किसी को बुलाने की लेकिन पास में कोई ना होने की वजह से ऑक्सीजन की जो उनकी कमी है वो बढ़ती चली गई और उनका रिपोर्ट जो है पॉजिटिव या नेगेटिव आने के पहले ही जो वहां पर मरीज एडमिट था उसकी मृत्यु हो गई, जिसे लेकर अब लगातार उनके परिजन जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नारायणा अस्पताल की लापरवाही की वजह से उन्होंने अपने परिजन को खोया है। उनके बेटे, उनके भाइयों की बात करें तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि केवल और केवल जिस तरह से इन अस्पतालों की लापरवाहियां हो रही है इसी वजह से जो उनके परिवार वाले हैं वो इस तरह से शिकार हो रहे हैं और जो इलाज उन्हें समय पर मिलना चाहिए और जिस इलाज को करवाने को जाते हैं वो इलाज नहीं दिया जाता,
सिर्फ एक कोरोना जो है उसे देखकर उन्हें लगातार उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है बॉडी में तो समय पर ऑक्सीजन भी नहीं दिया जाता। बिल्कुल निधि, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर सामने आना बहुत तमाम तरह के सवालिया जो निशान है वो खड़े तो करती है, लेकिन ऐसे में क्या किसी जिम्मेदार ने अभी तक संज्ञान लिया इस मामले में? अगर बात मेकारा अस्पताल की जाए तो पहले कीड़े वाला खाना मरीजों को खिलाया जाता है, उसके बाद वहां मरीज किसी और चीज का इलाज करवाने के लिए आ रहे लेकिन उन्हें कोरोना के एक वार्ड में भर्ती करा दिया जाता है जब मौत हो जाती है, तो और अब जब सियासत भी शुरू हो चुकी है उस मामले में, और इसी तरह लगातार रायपुर में एक के बाद एक अस्पताल की तस्वीर इस तरह की सामने आ रही है। बिल्कुल ऋतु, अस्पताल की अगर बात करें तो बिल्कुल बदहाली छाई हुई है हर जगह, क्योंकि हम केवल सिर्फ अस्पताल सरकारी अस्पतालों की बात करते थे लेकिन अब निजी अस्पतालों में भी ऐसा हो रहा है। तो जो मरीज हैं, जो जनता है, जो लोग हैं, उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है, क्योंकि अगर सरकारी अस्पतालों में किसी तरह की कोई दिक्कत होती थी, किसी तरह की परेशानी होती थी तो निश्चित ही उन्हें अपने पैसे खर्च कर निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवाना पड़ता था, क्योंकि एक उम्मीद थी वहां पर लोगों को कि अगर पैसे लग रहे हैं लेकिन इलाज भी सही मिल रहा है। लेकिन इस तरह से अब निजी अस्पतालों में भी लगातार जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आ रही है, और लगातार निजी अस्पतालों में भी इलाज कराए जाने के बावजूद इस तरह के कृत्य सामने आ रहे हैं कि अगर मरीज उस कंडीशन में नहीं है बावजूद उसके केवल लापरवाही की वजह से मरीज की मृत्यु हो जाती है, और इस तरह के आरोप लगातार उनके परिजन लगा रहे हैं। अस्पताल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और एक काफी बड़ा जो सवाल है वो प्रशासन पर है कि अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल जो है वो भी मनमानी करने पर आतुर हो गए हैं। तो एक बड़ा फैसला लेना होगा कि आखिरकार अस्पतालों की ये लापरवाहियां सब खत्म हो। जी बिल्कुल निधि, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ फोन लाइन पर मृतक के परिजन जीतू फोन लाइन पर जुड़ गए। जीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला, कि आखिर पूरा मामला है क्या, निजी अस्पताल में किस तरह की अभी लापरवाही आपकी तरफ से देखी गई है? श्री गोवर्धनदास पंजवानी जी को 27 तारीख को कफ की प्रॉब्लम हुई जी, जिसके बाद हमने 28 तारीख को नगर निगम कालीबाड़ी रायपुर में हमने कोविड की जांच करवाई जी। उस दौरान 28 तारीख को पापा जी को कफ की तकलीफ थोड़ी सी बढ़ती है जी। और हम श्री नारायणा हॉस्पिटल देवेंद्र नगर स्थित रायपुर छत्तीसगढ़ में हम उनको एडमिट करवाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं। उस दौरान वहाँ पे हमें मिलते हैं डॉक्टर अमित असाती जी, उन्होंने उनका बोलना होता है कि डायरेक्ट इनको कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जाए, इनके सिम्टम्स कोविड के लग रहे हैं जी। तो उन्होंने क्या जीतू कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं किया था? नहीं, उन्होंने किसी भी प्रकार की टेस्ट नहीं की। 29 तारीख जिस दिन हमने पापा जी को एडमिट किया है जे। मेडिकल बिल के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई उन्होंने मेडिकल यूज नहीं की है, मेडिसिन वगैरह ना ही कोई जांच की है, ना ही कोई एक्सरे किया है जे। और उनको डायरेक्ट कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया जे। फिर उसके बाद आगे क्या कुछ हुआ जब कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया? तो कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, उनके बाद उनको न कोई ब्रेकफास्ट मिला, ना ही वहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा थी। इवन वहाँ पे ना फैन चल रहा था, हमने फैन भी घर से लेके गए और वहाँ पे हमने फैन लगाया, जिसके कारण हमें पापा की बार बार फोन आती है और वो बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना वो मेडिसिन हमें दे रहे हैं, ना ऑक्सीजन मास्क प्रॉपर लगा रहे हैं। उस दौरान फिर हम जब अमित सर से मिलते हैं तो वो उस पर बहुत ज्यादा लापरवाही बरतते हैं और वो किसी प्रकार का हमें रिस्पांस नहीं देते। इवन जब पापा जी हमें फोन करके बताते हैं तो वो पापा जी से फोन छीन के डस्टबिन में फोन डाल देते हैं उनके जूनियर। तो वहाँ पे बहुत सारी लापरवाहियां हो रही हैं, जिसके कारण इनकी लापरवाही के कारण आज हमारे पापा जी की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। और इवन जब 2:50 में हमें वो बताते हैं कि आपके पापा जी की डेथ हो गई है, और सुबह जब वो हमें बॉडी प्रोवाइड कराते हैं उस दौरान 12-13 घंटा हो गए हैं, तो हमें उनके ऊपर बिल्कुल डाउट है कि उन्होंने 13 घंटे, जब कोरोना पेशेंट्स को वो 5 मिनट उनके पास नहीं जा पाते हैं तो 13 घंटा उसने अपने हॉस्पिटल में कैसा रखा जे। तो हमें उस दौरान डाउट है कि उस बॉडी से उन्होंने कोई ना कोई जरूर कोई पार्ट्स निकाले हैं जे। और वो जो
हम चाहते हैं कि वो हमें वो जस्टिफाई करें। तो जीतू, क्या आपने इस दौरान डॉक्टर या अस्पताल के जो बाकी स्टाफ है उनसे पूछने की कोशिश की कि बॉडी आपको अगर थमाई गई है तो क्या कुछ वजह उनकी तरफ से बताई जा रही है कि बॉडी जब कि अगर जब क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है अभी कोरोना के केसेस में ज्यादातर यही देखा गया है कि जब किसी की कोरोना से कोई ग्रसित है, संक्रमित है और उसकी मौत हो जाती है तो वो बॉडी परिजनों को नहीं दी जाती, तो इस दौरान ये लापरवाही फिर क्यों की गई उनकी तरफ से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो उन्होंने कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई है वह झूठी रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि जब हमें 1/9/2020 को हमें नगर निगम कालीबाड़ी से रिपोर्ट मिलती है उसमें हमारे पापा जी की रिपोर्ट निगेटिव आती है और ये हमें बोलते हैं कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। इवन फिर जब हम इन्हें बोलते हैं कि हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उनके अंतिम दर्शन हमारे फैमिली वाले करना चाहते हैं, तो उनके जूनियर डॉक्टर द्वारा बोला जाता है कि ये फिर रिपोर्ट हमें निगेटिव बनानी पड़ेगी, उसके लिए फिर कुछ आगे देखना पड़ेगा। तो जी, क्या किसी को अभी तक शिकायत की गई है? किसी जिम्मेदार या अधिकारी के संज्ञान में ये मामला आया, वहां का कोई सांसद, विधायक, महापौर? नहीं, वो जितनी भी कार्रवाई है आज हम उनके खिलाफ FIR करेंगे और डॉक्टर अमित साथी जी को हम निरस्त करवाना चाहेंगे। इवन नारायणा हॉस्पिटल के ऊपर भी अपन केस करेंगे और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अमित साथी जी को पूरी छत्तीसगढ़ में कहीं भी किसी प्रकार की ना उनको जॉब मिलता है ना वो कभी अपना क्लिनिक करता है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही की है जिसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए कि जिस तरह से ये मामला अभी तक निकलकर सामने आया इस पूरे मामले पर, अब अमित डॉक्टर का क्या कुछ कहना है? अमित डॉक्टर का भी हमने कोई पर्सनल उनसे कोई बात नहीं की है, हम जो भी उनसे बात कर रहे हैं वो लीगल कार्रवाई के थ्रू कर रहे हैं, जैसा कि हमने नोटिस उनको भेजा हुआ है वकील द्वारा, और हम आज FIR करवाने वाले हैं उनके खिलाफ और इवन नारायणा हॉस्पिटल के खिलाफ। चलिए जीतू जी, आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, एक बार फिर रुक करते हैं अपनी। इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ कि उनकी लापरवाही की वजह से ही हमारे पापा जी की मृत्यु हुई है। बिल्कुल, साफ तौर पर लापरवाही का मामला है और ऐसे लगातार हम भी जिम्मेदारों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये मामला आगे जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे ताकि आपको भी इंसाफ मिले। और इंसाफ ही नहीं बल्कि इस अस्पताल में जिस तरह की लापरवाही चल रही है इस लापरवाही को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना का दौर है और इस तरह से डॉक्टर जो भगवान का रूप माना जाता है अगर वो इस तरह की लापरवाही करेंगे तो फिर आगे जो मरीज है डॉक्टर पर भरोसा किस तरह से कर पाएंगे। फिलहाल जीतू, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, एक बार फिर रुक करते हैं अपने संवाददाता निधि प्रसाद का। निधि, जिस तरह से हमारी अभी बात मृतक के परिजन से हुई यानी कि उनके बेटे से हुई है, जीतू का साफ तौर पर कहना है कि एक तो उनकी रिपोर्ट जब दूसरे किसी लैब में करवाई जाती है, कोरोना टेस्ट कराया जाता है तो नेगेटिव रिपोर्ट आती है, लेकिन नारायणा अस्पताल में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, ऐसे में ना ही उनको कोई ऑक्सीजन मास्क दिया गया ना ऑक्सीजन उनको यूज करवाया गया। इसके साथ ही बहुत तरह की जो अनियमितता कह सकते हैं कि यहां अस्पताल में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई और ऐसी देखने को मिले, लेकिन क्या अभी तक किसी भी जिम्मेदार ने यहाँ पर कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले पर? तो फिलहाल अगर संज्ञान की बात करें तो ऐसा जो मामला सामने आया है तो इससे जो प्रबंधन है वो बचता ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि साफ साफ जो है अस्पताल की गलती और अस्पताल की लापरवाही इसमें प्रदर्शित हो रही है, दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो जो उनका पहले का रिपोर्ट था उसकी रिपोर्ट के आने से पहले ही ये अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट दे देते हैं, ये काफी बड़ा जो है चिंता का विषय है कि आखिरकार जब इस तरह से मरीजों को जो अपनी काफी उम्मीदें लेकर डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर ही इन्हें अगर गलत रिपोर्ट बना कर देंगे तो आखिरकार मरीजों का भरोसा जो है वो उसका बिल्कुल नजर आ रहा है डॉक्टरों से, और वो किस पर भरोसा करेंगे। और यदि बात इनके परिजनों की है तो वो काफी हताश है, काफी दुखी है और उनका सीधे सीधे मानना यही है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ही आज उन्होंने अपने पिता को खोया है। और इसके साथ ही उनका यही कहना है कि वो पूरे श्री नारायणा अस्पताल के ऊपर FIR दर्ज करेंगे उनकी लापरवाही को लेकर, और उनका यही कहना है कि जिन जिन लोगों के द्वारा इसमें लापरवाही की गई है उस पर तत्काल रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केवल लापरवाही का शिकार हुआ है ये परिवार। और अगर हम बात करें तो हमेशा सरकारी अस्पतालों में यही देखा जाता है और एक आम बात हो चुकी है सरकारी अस्पतालों में
लेकिन अगर निजी अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर पूरा पूरा विश्वास होता है लोगों का कि निजी अस्पतालों में उन्हें सही इलाज मिलेगा। बावजूद इसके इस तरह से लापरवाही जो सामने आई है, तो आखिरकार अब जनता के लिए भी ये मुसीबत हो गई है कि वे अपना इलाज करवाने जाएं तो कहाँ जाए। बिल्कुल, अब जनता किस पर भरोसा करे, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप, भगवान का दर्जा दिया जाता है कि भगवान के बाद अगर पृथ्वी में कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है जो मृत्यु के द्वार से मरीज को ठीक करके उसके घर पहुंचाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ही इस तरह की हिला हवाली और लापरवाही करेंगे तो मरीज कहाँ जाएंगे, जनता किस पर भरोसा करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है। बात अगर की जाए कि जिस तरह से लगातार हम भी क्योंकि संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर से, लेकिन वहां जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो फिलहाल बिजी होने का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर बात की जाए जिम्मेदारों की तो जिम्मेदारों ने तो फिलहाल कोई संज्ञान लिया नहीं। अब आपने जब वहां बारीकी से निरीक्षण किया और जायजा लिया तो क्या इस दौरान किसी भी डॉक्टर ने कुछ मीडिया के सामने बोलते हुए बचते हुए नजर आए या किसी ने कुछ बाइट या प्रतिक्रिया दी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रही हैं कि लगातार डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, जो कि वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नारायणा अस्पताल के डॉक्टर खेमकर, बावजूद इसके उनका फोन लगातार बिजी आना बिल्कुल प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरह से वो अपनी लापरवाही जो है उसके सवालों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आप संपर्क में उनसे कोशिश करने की संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने उन्हें पहले इस बारे में जानकारी भी दी थी कि वो अपना पक्ष उसमें रख सकते हैं, बावजूद उसके डॉक्टर की इस तरह से फोन को इग्नोर करना या फिर फोन ना उठाना, बिजी आना, ये बिल्कुल प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर ये अस्पताल जो है उसकी लापरवाही जो है वो सही है। एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर जो परिजन है वो तो सख्त साबित होते ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर और अस्पताल द्वारा कोई लापरवाही नहीं होती तो वो निश्चित रूप से हमसे बात करने का प्रयास करते और इसके साथ ही वो बात तो करते ही अपना पक्ष भी रखते, लेकिन यहाँ पर उनका बिजी आना, उनका हमारे संपर्क से ना जुड़ना बिल्कुल अस्पताल की लापरवाही साफ रूप से प्रदर्शित करता है। जी बिल्कुल, अस्पताल की भी लापरवाही, डॉक्टर की भी लापरवाही निकलकर सामने आई है जो उन्होंने इस तरह का कृत्य किया, और ऐसे में पीड़ित परिवार को काफी कुछ खामियाजा इस दौरान भुगतना पड़ा बेवजह में। फिलहाल निधि आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको रायपुर की तस्वीर बता रहे थे, जहां सरकारी अस्पताल के साथ अब निजी अस्पतालों में भी इलाज को लेकर लापरवाही के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। बिना कोरोना जांच के इलाज के लिए पहुंचे एक मरीज को अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया गया, जिसके बाद वहां पर ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत हो गई है।